अस्सलाम वालेकुम, ये लेक्चर है मेरा क्लास सेवन के लिए उर्दू का। आज का हमारा टॉपिक है नज़्म व ज़ब्त। पहले हम अपने लेक्चर में नज़्म व ज़ब्त का खुलासा और मरकज़ी ख्याल कर चुके हैं, आज हम उसके बतिया की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नज़्म व ज़ब्त, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़्म व ज़ब्त का क्या मफ़हूम है? किसी काम को कानून और कायदे की पाबंदी के तहत अंजाम देना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फ़ायदे हैं? नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। ठीक है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखने से ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना बन जाती है। ठीक है, आगे है हमारा, कितार बनाने का क्या फ़ायदा होता है? कितार बनाने से बदनज़मी और बेजा तकरार से बचा जा सकता है और काम सुकून से हो जाता है। आगे है, कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कि कानून पर हर हाल में अमल किया जाए, कानून की पासदारी की जाए। एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबा बंदी से अपने शब रोज़ को किस तरह संवार सकता है? बेहतर मनसूबा बंदी से जो है तालिब इल्म सुबह जागने नमाज पढ़ने, वर्जिश करने, नाश्ता करने, स्कूल जाने, वापस आने, आराम करने के अवकात मुकर्रर करके अपनी ज़िंदगी संवार सकता है। हमारा दीन हमें किस तरह नज़्म व ज़ब्त की तालीम देता है? हमारा दीन हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्ज देता है। मुकर्रर अवकात में नमाज पढ़ जगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की बेहतरीन मिसाल है। एक इमाम के पीछे एक साथ रुको सुजूद करना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। इसी तरह रमज़ान और मुबारक महीने में रोज़े रखना और हज के अयाम में लाखों मुसलमान का एक ही लबास में मुनासिक अदा करना नज़्म व ज़ब्त की जो है उम्दा मिसाल है। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? नज़म किस ज़बान का जो है वो लफ्ज़ है, ये है हमारी एम सी क्यू। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? राइट ऑप्शन है अरबी का। सफ़े टेढ़ी बनाने से अल्लाह ताला टेढ़े कर देता है किसको? दिलों को। दिल, राइट ऑप्शन है दिल। हशरातुल अर्ज़ से क्या मुराद है? हशरातुल अर्ज़ से मुराद है कीड़े मकोड़े, राइट ऑप्शन है इस कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए किसकी? कितार बनाने की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आगे है, कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब क्या थी? इन सब में से कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब थी इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। आगे है, वाहिद की जमा और जमा की वाहद, जमा के वाहद अल्फाज लिखें। जैसे कि मुफादात जमा है तो इसकी वाहिद है मुफाद, ख्वाहिशात जमा है तो इसकी वाहिद है ख्वाहिश, कायदा वाहिद है तो इसकी जमा है कवायद, सबक वाहिद है तो इसकी जमा है असबाक, सजूद जमा है तो इसकी वाहिद है सजदा, मनाजिर वाहिद है तो इसकी मनाजिर जमा है तो इसकी वाहिद है मंजर। इस तरह से आपने अराब के मदद से तलफ़ुज़ वाजा करें, इस तरह से आपने इनके जो हैं वो अराब इस तरह से लगाने हैं। ठीक है, ये देख लें। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी, आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आरी भी पढ़ा होगा, दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। आरी है ये वाला जो आरी है ना, आयन अलिफ आ, इसका मतलब है बुराई, इसका मानी है बुराई। ठीक है, ये वाला जो आरी है ये लकड़ी काटने का जो है आला इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। वो लड़का इखलाक से आरी है, ये जो है आरी इसका है बड़ई ने आरी से लकड़ी को काटा या चीरा। ठीक है, आगे हैं,
इन अल्फाज के मुतजाद लिखे। कामयाब का है नाकाम, आला का है अदना, ज़िंदगी का है हयात, मशरिक़ का है मगरिब, तुलू का है गुरूब, खुशकिस्मती का है बदकिस्मती। जुमलों में इस्तेमाल करें, ठीक है, इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, जैसे कि नज़्म व ज़ब्त, हमें नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। निज़ाम कायनात, अल्लाह ताला की ज़ात निज़ाम कायनात चला रही है। कार फरमाई, हमें अपने साथ की हर बात में कार फरमाई करनी चाहिए। सुरखरू का है बेटे ने अव्वल पोजीशन हासिल करके जो है वो अपनी माँ को सुरखरू किया। बहस व तकरार से कुछ हासिल नहीं, अमली काम करना चाहिए। आगे हैं कालिम अलिफ और कालिम बे में लिखे गए जुमलों पर गौर करें। पुलिस ने चोर को गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत ने तली मुफ्त कर दी गई। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। शायक ने अपना दाखिला फॉर्म भर दिया गया है। हम पहला बाब पढ़ा जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कालिम बे में दिए गए जुमलों के फाइल पुलिस, हुकूमत, अल्लाह ताला, शायक, हम मौजूद हैं, जबकि कालिम बे में दिए गए जुमलों के फाइल मौजूद नहीं। पहले कालिम में दिए गए जुमले फेल मारूफ की मिसालें हैं, जबकि दूसरे कालिम में दिए गए जुमले फेल मजहूल की मिसालें हैं। अब आप बताइए कि नीचे दिए गए जुमलों में से कौन सा फेल मारूफ और कौन सा फेल मजहूल से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, फेल मारूफ को फेल मजहूल और इस तरह फेल मजहूल को फेल मारूफ में तब्दील करें। ये हैं हमारे जुमले। उसने बहुत से मेहमानों को मदु किया। ये है फेल मारूफ। बहुत से मेहमान मदु किए गए। ये है फेल मजहूल। तखैर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना किया जाता है। यह है फेल मजहूल। उस्ताद तखैर से आने वाले तालिब इल्मों को जुर्माना करता है। यह है फेल मारूफ। चावल की फसल काटी जा चुकी है। फेल मजहूल। ये फेल मजहूल है। किसान चावल की फसल काट चुके हैं। ये है फेल मारूफ। किसान खेतों को सैराब करता है। ये है फेल मारूफ। खेतों को सैराब किया जाता है। ये है फेल मजहूल। ये इस तरह से बच्चे अपनी एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से अपना लेसन लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।